हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 54 ईसी। टीवाई बीकॉम लेवल पे आपको दो ही सेक्शन पूछा गया, एक सेक्शन 54 है और दूसरा सेक्शन 54 ईसी है। तो 54 का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 54 ईसी। अब ये 54 ईसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको, ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कैसे समझना है, अनऑफिशियल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको, आपने कोई एसेट बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, टीवाई बीकॉम के हिसाब से समझा रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, तो आपको कैपिटल गेन हुआ सब प्लस माइनस करने के बाद 100 रुपीज़। कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ। अब ये कैपिटल गेन हुआ तो गवर्नमेंट इस पे ऊपर टैक्स मांगेगी, समझो 20% है, तो 20 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? अभी आपको अगर हम लोग बोलें कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि टैक्स जो होता है बर्डन होता है, आपके ऊपर बोझ है, पे करेंगे तो आपको फील होगा, डायरेक्ट टैक्स है वो भी, राइट? तो 20% इसका 20 रुपये आएगा। अगर यही समझो कि 100 करोड़ हो और उसके ऊपर 20% है 20 करोड़, तो 20 करोड़ आपको देना है टैक्स, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 20 करोड़ आप दे पाओगे? पैसा होने के बावजूद भी आपको देने में ना थोड़ा दिल को लगेगा, अरे यार क्यों दे रहा हूँ मैं, है ना? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पैसा जो है आप, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इन्वेस्ट करो। तो अगर हम लोग का केस क्या है टीवाई बीकॉम लेवल पे, कि हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, फ्लैट बेचा, फ्लैट से जो पैसा आया तो उससे दूसरा फ्लैट खरीद लो, जो हम लोग ने 54 में दिया है ना। लेकिन अगर हम लोग को फ्लैट नहीं खरीदना या कुछ पैसा बच गया, उसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दे दिया कि भाई आप 54 ईसी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब वो पैसा आप क्या करो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। कौन से बॉन्ड में? तो दो ही बॉन्ड अलाउड है। तो समझो यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपये में से आपने 54 में माइनस किया 70, बचा कितना? 30 बचा है ना। अब ये 30 है, 30 लाख, 30 लाख पे 20% आएगा, 6 लाख रुपये टैक्स आएगा, तो 6 लाख भी क्यों भरने का है? तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो आप लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। तो समझो मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया 30 लाख, तो बचा कितना? 0, और 0 पे टैक्स कितना आएगा? नील आएगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने वही बोला है, अगर आप टैक्स नहीं भरना है तो हम जैसा बता रहे हैं वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो उन्होंने सेकेंड इन्वेस्टमेंट बताया आपको 54 ईसी। अब 54 ईसी में क्या होता है कि कुछ ही बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से दो बॉन्ड, ये नाम याद रखना, NHAI और RECL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यही दो बॉन्ड में उन लोगों ने बोला है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और वो अमाउंट आप कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो, तो आपको कोई टैक्स भरने को नहीं आएगा। हाँ, कम अगर इन्वेस्टमेंट किया, 30 लाख जैसे ये क्वेश्चन में था, ये एग्जाम्पल में, कि 30 लाख आया था तो आपने सिर्फ 15 लाख ही भरा है, तो 15 लाख के ऊपर टैक्स आएगा फिर, या तो पूरा भर दो, लेकिन उसके अंदर भी टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपका अमाउंट लिमिट भी है। तो चेक करते हैं 54 ईसी क्या बोलता है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला जो है ये सेक्शन ईसी इज अवेलेबल टू एनी एसएससी, किसी भी एसएससी को अवेलेबल है ये। तो एनी एसएससी मतलब इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ये सब आते हैं, राइट? तो कोई भी SSC को अवेलेबल है 54 ईसी, कोई भी ले सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 54 ईसी इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलाउड नहीं होता, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो हम लोग के इस टर्म में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने बेचा उसमें से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वही पैसे से आप 54 ईसी यूज़ कर सकते हो। वो 24 मंथ्स के कैटेगरी में आना चाहिए। और भी ऐसे एसेट हैं जो 36 मंथ्स के कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ एसेट जो है मेनली ये 24 मंथ कैटेगरी के जो एसेट हैं, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग है, उनको बेचेंगे तो आपको 54 ईसी में डिडक्शन मिलेगा। तो याद रखना है स्पेसिफिकली लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, लेकिन कुछ और चीज़ भी है जो 36 मंथ्स में भी आते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट, उसमें से भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो वो जो है सेक्शन 54 ईसी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम डेप्रिशिएबल एसेट अंडर द कैटेगरी ऑफ 36 मंथ। तो कोई ऐसा एसेट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और उसको अगर आपने बेचा तो उस पर भी अवेलेबल है। तो ये हाई लेवल का है, IPCC समथिंग में आता है, आपके
टीवाई लेवल पे नहीं है, तो एज ऑफ नाउ इसको इतना ही याद रखना है, अगर शॉर्ट नोट में आया तो आप लोग लिख सकते हो। तो पहला ये किसी भी SEC को अवेलेबल है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही माइनस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस नहीं होता है। हाँ, लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट पे भी अवेलेबल है, डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। हाँ, तो वो मतलब हाई लेवल का है तो उसको मत देखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो दिया है इन्वेस्टमेंट, आपको बताया था दो ही बॉन्ड्स में एप्लीकेबल है ये सेक्शन, पहला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई बॉन्ड अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया तो अलाउड है, अदरवाइज कोई और बॉन्ड अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें भी याद रखना ये 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर से पहले आप उसको नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपके ऊपर अलग उसका ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो याद रखना आप NHAI और RECL दो नाम याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो वो अमाउंट आप कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो, या और कोई बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया है तो उसमें से माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट देखो दिया है, अब जो ये 5 साल दिया है तो SEC ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ 5 ईयर शुड नॉट ट्रांसफर, उनको बेच नहीं सकती बॉन्ड को, कन्वर्ट नहीं कर सकती, अवेल लोन्स एंड एडवांसेस ऑन सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड, उस बॉन्ड के ऊपर वो क्या नहीं कर सकती, ये 5 साल के अंदर ना उस बॉन्ड को वो कन्वर्ट कर सकती है, ना उनको बेच सकती है, ना उसको सिक्योरिटी के गिरवी रख के कुछ लोन वोन भी नहीं उठा सकती है ये 5 साल के अंदर। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप इन दीज बॉन्ड में करोगे तो 5 साल के लिए आपको भूल जाना है, और इसको ना ही बेचना है, ना ही कन्वर्ट करना है, ना ही इनके ऊपर कोई लोन लेना है। और कब तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें, तो पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर 54EC देखेंगे तो उसमें नया हाउस आपको खरीदने बोला है, तो नया हाउस आप परचेस कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो नया हाउस आप 1 साल पहले और 2 साल बाद तक परचेस कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन है तो 3 साल बाद तक। किस डेट से, 1 साल पहले, 2 साल बाद और 3 साल बाद, डेट ऑफ सेल से। तो वैसे ही जब यह एसेट आपने बेचा तो उस एसेट से 6 महीने तक, जिस डेट को बेचा वो डेट से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपने 6 महीने में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको वो डिडक्शन माइनस एग्जम्पशन मिल जाएगा माइनस करने को, अदरवाइज नहीं मिलेगा, समझे। तो डेट ऑफ सेल से 6 महीना लेने का, वो 6 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो याद रखना पहला दो बॉन्ड है और एनी अदर बॉन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, NHAI और RECL, और वो 6 महीने के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो याद रखना। नेक्स्ट देखो ये भी थोड़ा लेवल का है तो भी मैं बता देता हूँ। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 54EC इज अवेलेबल, बट पीरियड ऑफ 6 मंथ वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द डेट व्हेन द सच स्टॉक इज इन ट्रेड, व्हेन वी सोल्ड सच स्टॉक इन ट्रेड। मतलब जब हम लोग कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो 54EC ले सकते हैं, लेकिन वो जो 6 महीना हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, सेल होगा, उस डेट से 6 महीना कैलकुलेट करने का। ओके, तो पॉइंट वाइज इसको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव में, और आपका जो भी शॉर्ट नोट आया तो उसमें आप ये लिख सकते हो। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होता है तो EC इज नॉट अवेलेबल, तो कंपनी जब आप बंद कर रहे हो तो उसमें EC अवेलेबल नहीं होगा, 54EC। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन कैपिटल गेन 50 लाख, ये याद रखो कि मैक्सिमम आप सिर्फ और सिर्फ 50 लाख ही इस सेक्शन में माइनस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे 30 लाख आया था, तो 30 में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट 40 लाख का किया है तो 30 ही माइनस होगा, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उतना ही है, ठीक है। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100 लाख है और आपने 60 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 60 लाख माइनस करने नहीं मिलेगा आपको, 50 लाख ही माइनस करने को मिलेगा। आया समझ में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC इज 50 लाख। तो 3 पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहला, आप दो ही बॉन्ड और कोई बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप 6 महीने के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है, 50 लाख। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो, और बाकी ये जो पॉइंट दिया है आपके शॉर्ट नोट में और ऑब्जेक्टिव में आपको काम करेगा। क्लियर है। दो बॉन्ड,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। दूसरा, 6 महीने के अंदर, कब से 6 महीना काउंट करने का, डेट ऑफ सेल से 6 महीना काउंट करने का, और कितना मैक्सिमम अमाउंट है, 50 लाख, तो 50 लाख को ध्यान में रखने का। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो, ईसी अपना कंप्लीट हो जाएगा TYBCOM लेवल पे, ठीक है? तो इसको एक दो बार और रेफर करो, और कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।